दोस्तों सही पत्र लिखा और इसे भी विराट के ट्रायंगल लव स्टोरी पर बेस्ड शो गुम है किसी के प्यार में तो आप जरूर देख रहे होंगे, जहां इस शो की ट्रायंगल लव स्टोरी काबिले तारीफ है। तो वही शो में नजर आने वाले कलाकार उससे भी ज्यादा कमाल के हैं, जो इस सीरियल को इंटरेस्टिंग बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और अपने अलग अलग अंदाज से दर्शकों को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यूं तो सीरियल में नजर आ रहे कलाकार अपने अपने किरदारों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि उन कलाकारों में से किस कलाकार को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, किस कलाकार ने अपनी पोजीशन नंबर वन पर बनाई है? अगर आप भी होना चाहते हैं इन सभी बातों से रूबरू तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस शो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 10 किशोरी शहाणे। जी हाँ, शो में भवानी चौहान का किरदार निभा रही अभिनेत्री किशोरी शहाणे का नाम इस लिस्ट में नंबर 10 पर दर्ज हो चुका है और वो इसीलिए क्योंकि अभिनेत्री किशोरी इस सीरियल में नकारात्मक भूमिका को पर्दे पर पेश करती हुई नजर आ रही हैं, जिनका किरदार काफी नकारात्मक है जिसके चलते दर्शक इन्हें थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं। नंबर 9 शैलेश दातार। किशोरी शहाणे से ज्यादा जिस कलाकार के अभिनय को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि एसीपी विराट के पापा का किरदार निभा रहे अभिनेता शैलेश दातार हैं, जिन्होंने अपने सादगी भरे किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। इनका ही सादगीपन तो इन्हें इस लिस्ट में नंबर 9 पर लाकर खड़ा करता है। नंबर 8 यश पंडित। अब जब सीरियल गुम है किसी के प्यार में की बात हो रही है कि किस कलाकार के अभिनय को दर्शक सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हम इस लिस्ट में यश पंडित का नाम ना लें ये तो सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि यही तो वो कलाकार हैं जो शो में देवयानी के पति डॉक्टर पुलकित देशमुख के किरदार को खूबसूरती से पर्दे पर पेश कर रहे हैं, जिनका किरदार काफी इंटरेस्टिंग है जिसके चलते दर्शक इनके किरदार को काफी पसंद कर रहे हैं और यही खासियत इन्हें इस लिस्ट में नंबर 8 पर लाकर खड़ा करती है। नंबर 7 स्नेहा भावसार। जी हाँ, स्नेहा भावसार वही हैं जो कि शो में करिश्मा का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, जिनका किरदार भले ही साधारण हो पर इसके बावजूद ये साधारण से किरदार के जरिए दर्शकों को कायल करती हुई नजर आ रही हैं। बस यही खासियत उन्हें इस लिस्ट में 7th रैंकिंग पर लाकर खड़ा करती है। नंबर 6 आदेश वैद। इस लिस्ट में 6th नंबर पर अभिनेता आदेश वैद ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जो कोई और नहीं बल्कि अभिनेता नील भट्ट के बड़े भाई और ऐश्वर्या के पति मोहित चौहान हैं, जिन्होंने अपने सादगी भरे अंदाज से हर एक शख्स को मुरीद बना दिया, तभी तो इस लिस्ट में इनका नाम 6th नंबर पर शुमार हो चुका है। नंबर 5 यामिनी मल्होत्रा। जी हाँ, आदेश वैद से भी ज्यादा जिस कलाकार ने अपने अच्छे प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता है वह कोई और नहीं बल्कि यामिनी मल्होत्रा है। जी हाँ, ये वही है जो शो में एसीपी विराट की बुआ शिवानी चौहान का किरदार पर्दे पर पेश करती हुई नजर आ रही हैं, जिनका किरदार काफी इंटरेस्टिंग है जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं, तभी तो इस लिस्ट में इनका नाम 5th पोजीशन पर दर्ज हो चुका है। नंबर 4 मिताली नाग। इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अभिनेत्री मिताली नाग के बारे में, जो कि इस शो में एसीपी विराट की बहन देवयानी चौहान के किरदार को पर्दे पर पेश करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि एक पगली का किरदार है और इसी किरदार को अभिनेत्री मिताली नाग इतनी खूबसूरती से पेश कर रही हैं, दर्शक इनके अभिनय को काफी पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो इनका नाम इस लिस्ट में नंबर 4 पर दर्ज हो चुका है। नंबर 3 ऐश्वर्या शर्मा। अब जब बात हो रही हो गुम है किसी के प्यार में शो में किस कलाकार के अभिनय को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो उसमें हम अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यही तो वो अदाकारा है जो शो में नील की एक्स गर्लफ्रेंड का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, जिनका किरदार है ही इंटरेस्टिंग जो दर्शकों को काफी लुभाता है। इनकी यही खासियत इन्हें इस लिस्ट में 3rd रैंकिंग पर पहुंचाती है। नंबर 2 नील भट्ट। गुम है किसी के प्यार में एसीपी विराट का किरदार निभाने वाले अभिनेता नील भट्ट का नाम इस लिस्ट में 2nd नंबर पर दर्ज हो चुका है और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि यही तो वो अभिनेता हैं जिन्होंने अपने इमोशन ब्रिलियंट एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी से सभी के दिलों को जीत लिया, तभी तो आज ये हर एक शख्स को अपना दीवाना बना चुके हैं। नंबर 1 आयशा सिंह। जी हाँ, अभिनेत्री आयशा सिंह ही वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने सभी कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए अपना नाम इस लिस्ट में नंबर 1 पर दर्ज करवा लिया है, क्योंकि आयशा सिंह जिस तरह से सही के किरदार को निभा रही हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है, जो हमेशा सच के लिए खड़ी रहती हैं। इनका यही सादगी भरा अंदाज तो आज न सिर्फ दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया को इनका फैन बना चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस लिस्ट में किस कलाकार का नाम नंबर 1 पर दर्ज होना चाहिए? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।